बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति पटना में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक से बाहर निकलते वक्त मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने इसी साल अगस्त में एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। एकदम से ये उलट फेर देखने के बाद कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना तो की, वही कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया था। विधायक दल की बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, हम सभी का एक ही मकसद है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। हम सब ये करके रहेंगे। 2024 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी नाराजगी जताते हुए विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत अन्य विधायकों को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि जो लोग शराबबंदी पर बिना जाने समझे कुछ भी बोल रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता सबकी सहमति से ही शराबबंदी लागू हुई थी। शराबबंदी पर बहस करने से अच्छा होगा इसे कैसे और प्रभावी बनाया जाए, इस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। बताते चले कि नीतीश कुमार इन दिनों अक्सर ही बिहार के अंदर भूचाल ला रहे हैं, आए दिन वे सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले उन्होंने महागठबंधन छोड़ एनडीए के साथ जाने का निर्णय लिया था, अब वे दोबारा महागठबंधन के साथ हो चले हैं। इन्हीं वजहों से कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। वजह साफ है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बिहार विधानसभा में 43 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की 74, वहीं आरजेडी की कुल 75 सीटें हैं तो कांग्रेस की 19। नीतीश कुमार जब चाहते हैं तब सरकार में अपने हिसाब से उलट फेर करते हैं। वे 2015 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वे 8वीं बार है जब बिहार के वो मुख्यमंत्री बने हैं।